प्रोफेसर राजन कुमार, देखिए ये बड़ा सवाल है कि चीन के एक तरफ हम एम्बिशंस देखते हैं कि वो किस तरह की विस्तारवादी नीति रखता है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, कितनी बड़ी ताकत बनना चाहता है। उन्होंने अपना जो अपना 100 साल का आगे का एजेंडा सामने रखा है वो साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका बहुत संभल कर चलता है। अमेरिका चीन के साथ संबंध भी रखना चाहता है और ख़ास तौर पर अब जबकि जो बाइडन है ट्रंप नहीं है, तो हम क्या कोई बदलाव भी देखेंगे उस नीति से जो ट्रंप लेकर आगे बढ़ रहे थे, या अभी तक जैसा जो बाइडन करते रहे कि उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं उसी पर आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल सुमेरा, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही पूछा कि आखिर ठीक है अमेरिका के मोटिव्स क्या हैं, अमेरिका क्यों इतना घबराया हुआ है। तो दो तीन कारण है, कई बार हम लोग उसको नैरो मिलिट्री सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन अमेरिका जो चीन से घबराया हुआ उसके दो तीन कारण और भी हैं। एक तो कि मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले चीन को माना जाता था एक छोटे मोटे टेक्नोलॉजी करता है, कॉपी करता है, लेकिन आज के टाइम पे रियलिटी यह है कि चीन 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और सबमरीन की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के, तो इन सारे जो प्राइम जो हाई टेक्नोलॉजी के फील्ड है वहाँ पे अमेरिका से कम्पीट कर रहा है। अमेरिका तब किसी भी देश से घबराने लगता है जब दूसरे देश की इकोनॉमी लगभग 60-70% हो जाता है, जैसा कि सोवियत यूनियन का हुआ था 1970s में और हमने देखा। तो अमेरिका के साथ दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी के समय में मैं बताऊं कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। अगर मैं उसके बेसिस पूरे विश्व में है, मिलिट्री सुपर पावर है, कोई उसमें शक नहीं है। अभी भी अमेरिका जितना पैसा स्पेंड करता है मिलिट्री पे कई देशों को जोड़ दें तो उतने बराबर उसके नहीं करते हैं, ये सब सच है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका आज के समय में एक डिक्लाइनिंग पावर है और अमेरिका को लग रहा है कि वो अगर इंडो पैसिफिक में या इवन इंडियन ओशन में या फिर जो कॉन्टिनेंटल एरियाज है वहाँ पर अगर अपना वर्चस्व बनाना है उनको, तो उसमें उनको भारत जैसे देशों का सहयोग करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और उसके बिना वो नहीं कर सकते। आज के समय में यहाँ से आप देखना शुरू करें कि अमेरिका का कहाँ पे वर्चस्व है। अगर मैं भारत से शुरू करूँ और पूरे टर्की तक करूँ तो लगभग लगभग अमेरिका का इन्फ्लुएंस बिल्कुल वहाँ से गायब होता जा रहा है। सऊदी अरब को छोड़ दें तो थोड़ा सा बिल्कुल वहाँ से गायब हो गया। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया जितने भी सारे इश्यूज हैं उसमें आप रूस के सहयोग के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक मेजर जो एक प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको रूस और चीन को अलग रखना पड़ेगा, और ये दोनों जब तक साथ रहते हैं तब तक अमेरिका अपने प्रभाव को नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन यह मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसमें ये जो पर्सपेक्टिव मैं बोल रहा हूँ वो उसमें शामिल नहीं है, और वो एक बड़ी दिक्कत भारत के साथ भी है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है लेकिन उसकी सबसे मजबूरी यह है कि भारत रशिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रशिया एक कॉन्टिनेंटल पावर है। हम रशिया को छोड़ देते हैं तो हमारा सारा जो क्षेत्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया पूरा हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। तो भारत भी एक वहां पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस भारत नहीं करना चाहता। भारत कोविड पे क्लाइमेट चेंज दोनों ही देश, भारत भी अमेरिका भी, एक बैलेंस साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने हितों को भी देखते हुए और अपने क्षेत्रीय, भारत को की अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रीय जरूरतें हैं, जो भारत की मजबूरियां हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो, और अपने पुराने संबंधों को भी बनाकर रखने की जरूरत है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।